अभी जो देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में लहसुन का भाव चल रहा है, उसे देखकर तो हम कह सकते हैं कि एक एकड़ लहसुन की फसल से 7 से 10 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। पर किसान भाइयों ने वह दिन भी देखे जब उन्हें लहसुन का भाव 200 रुपए क्विंटल मिला था और एक एकड़ से कमाई 7,000 के आसपास हुई थी। आखिर लहसुन के भाव में इतनी विविधता होने के कारण नए किसान भाई के मन में यही सवाल आता है कि लहसुन की फसल लगाई जाए या नहीं, लहसुन की फसल उनके लिए फायदे का सौदा है या नहीं। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम इस वीडियो में लहसुन की खेती का पोस्टमार्टम इन 5 स्टेप्स में करेंगे। पहली समय, दूसरी खर्च, तीसरी उपज, चौथी कमाई और पांचवी मुनाफा। तो फिर देर किस बात की, बढ़ते हैं अपने पहले कदम समय की ओर। लहसुन की फसल रबी के सीजन में अक्टूबर और नवंबर के महीने में लगाई जाती है। 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच का समय लहसुन की कलियों की बुआई का सबसे उपयुक्त समय है। पहली स्टेप के बाद बढ़ाते हैं अपने कदम दूसरी स्टेप खर्च पर उससे पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वे सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप मटर की खेती का पोस्टमार्टम का वीडियो देखना चाहते हैं तो वह चैनल पर आ गया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक एकड़ में लहसुन की फसल लगाते हैं तो बिजवारा 1.5 से 2 क्विंटल के बीच में लगेगा। अभी लहसुन का बिजवारा काफी ज्यादा महंगा है, पर यह हमेशा महंगा नहीं रहता। आपको लहसुन का बिजवारा 12,000 से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच में मिल जाएगा। इस तरह आपका बिजवारे का जो खर्च है वह 30,000 रुपए के आसपास आएगा। यानी कि एक एकड़ में लहसुन की फसल लगाने पर हमारा बिजवारे का खर्च 30,000 रुपए आएगा। खेत की हकाई जुताई और अंतिम जुताई के समय गोबर की खाद, इन सब का हमारा खर्च 8,500 रुपए आएगा। लहसुन की कलियों की बुआई चौपाई विधि से ही करें, जिसके लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्च आएगा 3,000। खेत की तैयारी के समय बेसल डोज, लहसुन के पौधे के अच्छे विकास के लिए रासायनिक खाद और माइक्रोन्यूट्रेंट और लहसुन की गांठ के अच्छे विकास के लिए हम टॉनिक देते हैं, इन सब का हमारा खर्च 4,100 रुपए आएगा। लहसुन की फसल में हमें 2 बार निराई गुड़ाई करना पड़ती है अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो। पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन में करें और दूसरी निराई गुड़ाई 45 से 60 दिन के बीच में करें। प्रत्येक निराई गुड़ाई का हमारा खर्च 4,000 आएगा, तो 2 बार की निराई गुड़ाई का हमारा खर्च 8,000 रुपए आएगा। कीट व रोग के लिए हम स्प्रे करते हैं, जिसका हमारा खर्च 1,800 रुपए आएगा। वह हार्वेस्टिंग के लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्च 6,000 रुपए आएगा। अब लहसुन को हमें बेचने के लिए मंडी तक ले जाना पड़ता है, तो हमारा खेत से या घर से मंडी तक का जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है वह 1,500 रुपए आएगा। इन सब खर्च को जोड़कर एक एकड़ में लहसुन की फसल लगाने पर हमारा खर्च आएगा 62,900 रुपए। हाँ, मैं एक खर्च और जोड़ना भूल गया, हमें लहसुन की कलियों की बुआई करने से पहले बीज उपचार करना पड़ेगा। बीज उपचार का हमारा खर्च 1,600 रुपए आएगा। यानी कि एक एकड़ में लहसुन की फसल लगाने पर हमारी लागत आएगी 64,500 रुपए। समय खर्च के बाद बढ़ाते हैं अपना एक और कदम और आते हैं हमारी तीसरी स्टेप उपज पर। एक एकड़ लहसुन की फसल से हम 30 क्विंटल से लेकर 40 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। हम इसका एवरेज 35 क्विंटल लेते हैं, यानी कि हमारी एक एकड़ लहसुन की फसल से उत्पादन हुआ 35 क्विंटल। अब बहुत से किसान भाई बोलेंगे कि हमारा उत्पादन 40 क्विंटल से भी ज्यादा होता है एक एकड़ से, और बहुत से किसान भाई कहेंगे कि हमारा उत्पादन 30 क्विंटल से भी कम होता है एक एकड़ से। तो देखिए, लहसुन एक कंद वर्गीय फसल है, जिसमें हमें उत्पादन जमीन के नीचे से मिलता है, यानी कि मिट्टी के अंदर से। अब अगर आपके खेत की मिट्टी अच्छी है, उसमें गहराई तक मिट्टी है और आपके खेत की मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर है, तो आपको लहसुन की फसल से काफी अच्छा उत्पादन मिलेगा। पर अगर आपके खेत की मिट्टी हमारी तरह पथरीली, तो आपको लहसुन की फसल से अन्य किसान भाइयों की तुलना में हमेशा ही कम उत्पादन देखने को मिलेगा। फिर हमारी लहसुन की फसल
निर्भर करती है कि आपके एरिया का वातावरण कैसा है, मौसम लहसुन की फसल के लिए अनुकूल है या नहीं, इन सब बातों के ऊपर भी हमारा उत्पादन निर्भर करता है। इसलिए हम एवरेज उत्पादन 1 एकड़ से 35 क्विंटल लेते हैं, यानी कि 1 एकड़ लहसुन की फसल से हमारा उत्पादन 35 क्विंटल हुआ है। समय खर्च उपज के बाद एक कदम और बढ़ाते हुए आते हैं हमारी चौथी स्टेप कमाई। अभी हाल फिलहाल में लहसुन का मंडी थोक भाव देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में क्या चल रहा था, इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था जिसका एवरेज 25,000 रुपये प्रति क्विंटल आया था, यानी कि किसान भाइयों को 1 क्विंटल लहसुन का भाव 25,000 रुपये मिल रहा था। पर आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि कुछ एक जिनकी किस्मत काफ़ी अच्छी होती है उन्हीं किसान भाइयों को इतना अच्छा भाव देखने को मिलता है। ज़्यादातर किसान भाइयों को लहसुन का भाव 7,500 रुपये पर क्विंटल से लेकर 10,000 रुपये पर क्विंटल के बीच में मिलता है। अगर आपको लहसुन का भाव 7,500 रुपये पर क्विंटल मिलता है तो हमारा उत्पादन हुआ था 35 क्विंटल और 1 क्विंटल का हमने भाव लिया है 7,500, तो हमारी आमदनी हुई 2,62,500 रुपये। यानी कि अगर आपको लहसुन का भाव 7,500 रुपये प्रति क्विंटल मिलता है तो आपकी आमदनी होगी 2,62,500 रुपये। वहीं पर अगर आपको 10,000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देखने को मिलता है तो आपकी आमदनी होगी 3,50,000 रुपये। इससे एक बात साफ है कि लहसुन की फसल से होने वाली हमारी कमाई पूरी तरह से निर्भर करती है कि हमें मंडी में लहसुन का क्या भाव देखने को मिलता है। देखिए, पिछले 5 से 6 सालों से लहसुन का जो भाव है वह 1 साल काफ़ी अच्छा मिलता है, 2 साल काफ़ी कम देखने को मिलता है और 3 साल 6,500 रुपये, 5,000 रुपये, 7,500 प्रति क्विंटल इस तरह का भाव देखने को मिलता है। इसका कारण साफ है, जिस साल भाव अच्छा देखने को मिलता है तो ज़्यादातर किसान भाई लहसुन की फसल लगाते हैं, फिर वे उस फसल को स्टोरेज करके भी रखते हैं, जिस कारण 2-3 सालों तक लहसुन का भाव कम रहता है। फिर जब स्टोरेज खत्म हो जाता है, किसान भाई फसल लगाना बंद कर देते तो लहसुन की मार्केट में एकदम से ज़्यादा डिमांड मिल जाती है और इस समय पर जो किसान भाई लहसुन की फसल लगाते हैं उन्हें लहसुन का काफ़ी अच्छा भाव देखने को मिलता है। तो आप अगर लहसुन की खेती से कम रिस्क में अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आप हर साल 1 एकड़ या आधा एकड़ में लहसुन की फसल जरूर लगा, ये सोचकर कि 5 साल में 1 साल ऐसा आएगा जब आपको लहसुन की फसल से काफ़ी अच्छा भाव और काफ़ी अच्छी कमाई देखने को मिलेगी। अब हम आते हैं हमारी 5वीं और अंतिम स्टेप मुनाफे पर। मुनाफा निकालने के लिए हम जो हमारी कमाई हुई थी उसमें से जो हमारा खर्चा है वह घटा देंगे। हमारी कमाई हुई थी 2,62,500 रुपये और हमारा खर्च आया था 64,500 रुपये, तो हमारा मुनाफा रहा 1,98,000 रुपये। यानी कि आप लहसुन की फसल से 2,00,000 रुपये तक का मुनाफा ले सकते हैं। अगर आप इसी तरह का पोस्टमार्टम का वीडियो प्याज की फसल के ऊपर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूरतमंद किसान भाइयों को यह वीडियो ज़रूर दिखाएं। साथ ही साथ अगर आप मटर की खेती का भी पोस्टमार्टम का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पर दिख रहा होगा और एंड स्क्रीन पे भी यहाँ दिख रहा होगा, तो आप यह वीडियो भी देख सकते हैं।